हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज्यामिति सेक्शन से शुरुआत किया है और इसका पार्ट वन में लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और टॉपिक है बहुभुज पॉलीगन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएम के निर्देशानुसार आपकी कक्षाएँ 26 तारीख तक फिलहाल के लिए स्थगित हैं, तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि इस छुट्टियों में कुछ न कुछ टॉपिक हम पढ़ते रहें। तो आप सभी के लिए ज्यामिति सेक्शन से मैं शुरुआत कर रहा हूं और रजत का भी विशेष इसमें योगदान रहा कि आप जरूर ज्यामिति को लेकर लाइव होइएगा। तो चलिए सेक्शन यहां से शुरू करें। रजत और सूरज दो हमारे टेक्निकल स्टाफ बैठे हैं और कितना हमें पुश किए कि हमारा वीडियो काफ़ी कम पड़ा है, काफ़ी आप लोगों को कमेंट आते हैं। तो आपके कहने पर मैं आपके समक्ष अभी तक प्रत्येक दिन लाइव रहूँगा और आप लोग बिल्कुल साथ दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर करें, शेयर करें, ताकि देखिए संख्या यहाँ पे आप मेंटेन रखेंगे तो मैं प्रत्येक दिन अभी तक प्रत्येक दिन आपकी क्लास में नियमित लूँगा। बस आपका सहयोग चाहिए। चलिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान देना, आप जब ज्यामिति को याद करके, सूत्रों को याद करके ज्यामिति के प्रश्नों को हल करते हैं तो प्रश्न तो हल हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं एक डर सा बना रहता है कि कहीं सूत्र भूल गया। तो मैं यहाँ पर ज्यामिति याद नहीं कराऊँगा, आप ज्यामिति के कॉन्सेप्ट खुद ब खुद निकालने लगेंगे। बस ध्यान से पूरा वीडियो देखेगा, सबसे आसान टॉपिक लगेगा, इवन अरिथमेटिक जो आप अच्छा मानते हैं उससे भी कहीं आपको अच्छा टॉपिक ये लगने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी किसी सूत्र पर आने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करूं कि जैसे ये कोई चतुर्भुज है, ध्यान देना, ये कोई चतुर्भुज है, चाहे जैसा शेप हो, चाहे आयताकार हो, वर्गाकार हो या जो भी हो। अब हम आपसे पूछें कि इसके चारों अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, तो हम आसानी से बता लेते हैं कि 360 डिग्री, यही बताते हैं ना, 360 डिग्री। अच्छा, मैं आपसे यदि ये पूछूं कि यदि कोई पांच भुजाओं का बहुभुज हो, पांच भुजाएं हैं, तो इसके सभी अंतः कोणों का योगफल क्या है, तो आप लोग कहते हैं कि 540 डिग्री। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि जैसे कोई छह भुजाओं का बहुभुज है ना, हेक्सागन, छह भुजाएं हैं। अब हम आपसे पूछे कि इसके छह के छह अंदर वाले कोणों का योगफल क्या है, तो कहीं ना कहीं हम आके थोड़ा सा रुक जाते हैं और हमें लगता है कि क्या होगा, या कभी आप लोग बताते हैं कि 720 डिग्री। तो चलिए ये कैसे निकलता है, सभी अंतः कोणों का योग हम कैसे निकालते हैं, योग निकालने की कॉन्सेप्ट यहां समझिएगा। तो ध्यान देना, जब भी आपको अंतः कोणों का योगफल निकालना हो तो सबसे पहले हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे और ऐसे त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे जिसमें इंटरसेक्ट न करे, त्रिभुज एक दूसरे को कट न करे। तो ऐसे कितने त्रिभुज का निर्माण, किस चित्र में कितना त्रिभुज बनेगा, वो भी बिना कटे हुए, तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए, बिना कटे हुए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसी एक शीर्ष से विकर्ण खींचते हैं, किसी एक शीर्ष से। शीर्ष मतलब होता है, शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोना। तो जैसे कोई भी एक कोना पकड़िए, जैसे ऊपर वाले चित्र में चार कोने हैं, कोई भी एक कोना लीजिए, चार में से चाहे जो, चलिए मैंने ये कोना लिया, अब इससे मैक्सिमम कितने विकर्ण खींच सकते हैं, केवल और केवल एक। विकर्ण क्या होता है, किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े क्षण की लंबाई को विकर्ण कहते हैं, मैं अपने शब्दों में कहूं तो यहां से बताइए इस शीर्ष से कितने विकर्ण खींच सकते हैं, केवल एक, बाकी और नहीं खींच सकते, क्योंकि वहां जाएंगे तो भुजा मिलेगी, यहां आएंगे तो भुजा ही मिलेगी। तो इस शीर्ष से केवल एक विकर्ण आएंगे, बाकी और शीर्ष नहीं लेना। मान लिया हम यहां से एक विकर्ण खींचे तो विकर्ण तो खींच जाएगा, लेकिन ये त्रिभुज कट जाएगा, कटने नहीं चाहिए। मतलब आपने देखा कि यहां पर त्रिभुज कितने बटे, दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज हुए, दो। और हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर दो त्रिभुज बने हैं,
तो एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री, तो दो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना आ गया 360 डिग्री। ये बात आपने समझा, अब पता चला ना कि अंतःकोणों का योगफल कैसे निकालते हैं। चलिए अब हमें आप बताइएगा कि पांच भुजाओं का बहुभुज है और हम आपसे पूछे कि इसके सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो योगफल निकालने से पहले, योगफल निकालने से पहले हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे और ऐसे त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे जो एक दूसरे को काटे नहीं, है ना, जैसे ये था। तो बताइए ऐसे त्रिभुज निकालने के लिए हम केवल एक ही कोना पकड़ते हैं, चाहे जो भी पांच में से कोई भी एक कोना लीजिए और उससे जितने संभव हो विकर्ण खींचिए। तो देखिए यहां मान लिया ये शीर्ष मैंने पकड़ा, कोई एक शीर्ष लेना, मैंने ये शीर्ष लिया, बताइए मैं कितने विकर्ण खींच सकता हूं, एक और यहां पर दूसरा, बताइए कितने विकर्ण आएंगे, दो, और कोई विकर्ण नहीं खींच सकते, क्योंकि यहां अब देखिए एक शीर्ष से केवल दो ही विकर्ण आएंगे, बाकी यदि ये शीर्ष लेते हैं तो ये कट कर जाएगा, कट नहीं करना चाहिए। तो बस आप देख सकते हैं कि यहां त्रिभुज बटे तीन, कितने त्रिभुज, एक दो तीन, और एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो तीन त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 540 डिग्री, हुआ कि नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो हमने देखा कि जब एक शीर्ष से विकर्ण खींचा तो तीन त्रिभुज बटे, एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योगफल 180, तो तीन त्रिभुज का कितना हुआ 540 डिग्री, सीधा रिजल्ट। अब हमें आप बताइए कि छह भुजा का बहुभुज है, छह भुजा का बहुभुज है, अब हम आपसे पूछें कि इसके सभी अंतःकोण का योगफल क्या होगा, तो योगफल निकालने से पहले बार बार ये सेंटेंस मैं दोहरा रहा हूं, आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, योगफल ज्ञात करने से पहले हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे और ऐसे त्रिभुज की संख्या निकालेंगे जो एक दूसरे को कट न करे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब केवल एक शीर्ष लेंगे। चलिए मैंने ये वाला कोना लिया, कितने विकर्ण खींच सकते हैं, एक विकर्ण, तो ये खींच लेंगे, एक ये खींच लेंगे, दो हो गया, एक ये, बाकी और नहीं खींच सकते, मतलब यहां त्रिभुज कितने बटे चार, कितने त्रिभुज चार, और एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो चार त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया 720 डिग्री, देखिए कितने आसानी से मिल गया। तो उपर्युक्त चित्रों से स्पष्ट होता है या निम्न चित्रों से स्पष्ट होता है कि किसी बहुभुज में किसी बहुभुज में बिना कटे हुए त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से सदैव दो कम होती है। फिर से एक बार सेंटेंस सुनिएगा, निम्न चित्रों से स्पष्ट होता है कि किसी बहुभुज में बने त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से सदैव दो कम होता है, त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से सदैव दो कम होता है। जैसे यहां चार भुजा थे, कितने चार भुजा, तो त्रिभुज कितने बटे, भुजा की संख्या से दो कम, चार भुजा थे तो त्रिभुज बटे दो। यदि पांच भुजा है तो पांच भुजाओं में कितने त्रिभुज बनेंगे, भुजाओं की संख्या से दो कम, जैसे पांच भुजा है तो भुजा की संख्या से दो कम त्रिभुज बनेंगे, तो पांच में से दो घटाएंगे तो कितना त्रिभुज बना तीन। अच्छा यहां देखिए इसमें कितने त्रिभुज बने, तो बने त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से हमेशा दो कम होती है, जैसे यहां पर छह भुजा है तो कितने त्रिभुज बने, भुजा की संख्या से दो कम, छह में से दो घटाएंगे कितने त्रिभुज बटे चार। तो यहां से आपने देखा चार भुजा था तो दो कम बना, तो कहने का मतलब यह है, पॉइंट को आप नोट करेंगे कि किसी बहुभुज में बने त्रिभुजों की संख्या भुजाओं की संख्या से सदैव दो कम होती है, बात समझ में आया। चलिए अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, बताइए सभी किसी अष्टभुज ऑक्टोगन आठ भुजाएं हैं, तो आठ भुजा के बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो हम पहले त्रिभुज की संख्या निकालेंगे और त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, भुजा की संख्या से हमेशा दो कम, तो आठ भुजा है तो त्रिभुज कितने बनेंगे, आठ माइनस दो, कितने त्रिभुज छह त्रिभुज, और छह एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 हुआ, तो छह का कितना हो गया 1080 डिग्री,
तो देखिए कितने आसानी से हमने जवाब दिया। अब इसी को हम सूत्र में बना लेते हैं। चलिए इसी को मैं सूत्र में बनाता हूं। और मैंने एक सवाल आपसे ये पूछा कि किसी n बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। जैसे हमें सभी, हमने अभी आपसे क्या पूछा, अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। तो हमने पहले क्या निकाला, योग ज्ञात करने से पूर्व हम पहले त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। और जब त्रिभुज की संख्या मालूम हो जाए तो उसमें गुणा करेंगे किससे, 180 से, क्योंकि एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो जितने त्रिभुज बनेंगे उसमें 180 से गुणा। जैसे इसमें दो त्रिभुज बने थे तो 180 से गुणा किया, 360 आ गया। तीन त्रिभुज बने तो 180 से गुणा किया, चार त्रिभुज बने 180 से गुणा किया, 720 आ गया। तो छह भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 720। तो यहां पर कितनी भुजाएं हैं, n बहुभुज है, n बहुभुज मीन्स n भुजाएं हैं। तो बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, भुजा की संख्या से हमेशा दो कम। कितनी होगी, भुजा की संख्या से दो कम, तो n माइनस दो, और गुणा करेंगे किससे, 180 से। तो ये सूत्र हो गया। माइंड में रखना n बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो एक बात का ध्यान रहे, यदि सभी अंतः कोणों का योगफल पूछे तो पहले हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे और 180 से गुणा करेंगे। तो त्रिभुज हमेशा भुजा से दो कम ही बनता है, ये बात बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए। जैसे भुजा n है तो त्रिभुज n माइनस दो और गुणा 180। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ा हुआ जरूर थोड़ा समय लगेगा कॉन्सेप्ट समझने में, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट आप देखेंगे समझ लेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुभुज के अंतर्गत चाहे जैसा प्रश्न बने बेशक कम समय में आप हल कर लेंगे। चलिए मैं अगले प्रश्न, अगले कॉन्सेप्ट पर आता हूं। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मैंने अभी अभी छह भुजा का एक बहुभुज बनाया था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितनी भुजाएं हैं, 6। अच्छा मैंने आपसे कहा कि इसके सभी के सभी छह के छह अंतः कोणों का योगफल क्या है, तो आपने बताया 720 डिग्री। अच्छा मैं आपसे ये कह दूं कि ये कोई समबहुभुज है, थोड़ा ध्यान देना, मैं इसे बराबर बना देता हूं ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं आप अपने तर्क के माध्यम से स्वयं समझे। जैसे मान लिया कोई सम षड्भुज है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। और ये 6 की 6 कैसी हैं, बराबर भुजाएं हैं, सम षड्भुज है। अच्छा मैं इसमें आपसे ये कहूं कि इसके एक अंतः कोण का मान क्या होगा, पहले आप बताइए इसके सभी अंतः कोणों का योगफल कितना है, 720। इसके सभी अंतः कोणों का योगफल कितना है, 720, अभी अभी आपने निकाला। तो 6 भुजा के सभी अंतः कोण का योगफल निकालना है तो त्रिभुज बनेंगे 4। कैसे पता चला, त्रिभुजों की संख्या भुजा से हमेशा दो कम होती है। तो भुजा 6 है तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 4। एक त्रिभुज के सभी अंतः कोण का योग 180, तो 4 का कितना है, 720। फिलहाल ये 720 डिग्री सभी का है, मतलब 6 के 6, ये पूरे 6 के 6 अंतः कोणों का योगफल कितना है, 720। मैं आपसे पूछूं कि किसी सम बहुभुज के, मतलब 6 की 6 भुजा बराबर है, अब इसमें हम आपसे पूछें कि एक अंतः कोण का मान क्या होगा, बताइए 6 की 6 भुजाएं बराबर है और हमें सभी का योग नहीं चाहिए, केवल एक अंतः कोण का मान चाहिए प्रत्येक। कैसे निकालेंगे, आप भुजा की संख्या से भाग कर दीजिए, कितना है, 120 डिग्री। तो इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है, 120 डिग्री आएगा कि नहीं, पूरे 6 के 6 अंतः कोणों का मान कितना आएगा, 120 डिग्री होगा ना, 120 120, 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72। तो कैसे निकलेगा, एक अंतः कोण का मान निकालना हो, सभी का नहीं केवल एक अंतः कोण का योग निकालना हो, सॉरी एक अंतः कोण का मान निकालना हो, तो पहले सभी अंतः कोण का योग निकालेंगे फिर भुजा की संख्या से भाग करेंगे। ध्यान देना, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा कि किसी n सम बहुभुज के
किसी यन संभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे बताइए। हमने एक अंतः कोण का मान पूछा प्रत्येक, और एक चीज बताना चाहेंगे, जब एक अंतः कोण का मान पूछेगा तो बहुभुज हमेशा सम होगा। कैसा बहुभुज होगा? सम। जैसे ये छह के छह भुजा बराबर है, यदि असमान भुजाएं हो जाएं तो एक अंतः कोण के संदर्भ में मान ज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि कंप्लीट नॉलेज न हो। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी कभी प्रत्येक से प्रश्न पूछेगा तो बहुभुज की जो नेचर होगी वो सम बहुभुज होगी। तो ध्यान देना, यन समबहुभुज के एक अंतः कोण का मान कैसे निकालेंगे? पहले हम योगफल निकालेंगे। जैसे योगफल कितना था? 720। अभुजा कितना था? 6। तो 720 में 6 से भाग कर दिया तो 120 है। कहने का मतलब पहले योग निकालेंगे फिर भुजा की संख्या से भाग करेंगे। तो जैसे यन समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना हो तो पहले सभी अंतः कोण का योग रखें। और ध्यान देना, सभी अंतः कोण का योग अभी अभी हमने निकाला है, कितना है? n माइनस 2 गुणा 180। ये योग है n माइनस 2 गुणा 180, ये सभी अंतः कोण का योग है। अब हमसे सभी का नहीं पूछा है, एक अंतः कोण का। तो कैसे निकालेंगे? इसमें भुजा की संख्या से भाग कर देंगे। तो भुजा की संख्या कितनी है? n है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं? बेशक आप समझ रहे होंगे कि जब हमसे एक अंतः कोण का मान पूछेगा तो पहले हम योग निकालेंगे। जैसे हमने पूछा कि इसमें प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या है, तो पहले हमने 720 जो निकाला वो योगफल था, और जब योगफल आ जाए तो भुजा की संख्या से भाग करें। तो इसी तरीके से पहले योगफल लिखेंगे और सभी अंतः कोण का योग सूत्र होता है यन माइनस 2 गुणा 180। ये यन माइनस 2 गुणा 180 योग है। अब भुजा की संख्या यन है, भाग कर दीजिए तो कितने का आएगा? एक अंतः कोण का मान प्रत्येक। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम प्रोसीड करते हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि किसी n समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो चलिए ध्यान देना, बहिष्कोण का सेंस होता है एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला कोण। बहिष्कोण का जो सेंस होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल, और अंतः कोण का जो सेंस है इंटीरियर एंगल। तो यहां से ध्यान देना, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जब प्रत्येक के सेंस में प्रश्न पूछेगा, चाहे प्रत्येक अंतः कोण चाहे प्रत्येक बहिष्कोण, बहुभुज का नेचर हमेशा क्या होगा? सम। क्योंकि जब तक भुजाएं बराबर नहीं होगी एक का मान नहीं निकाल सकते, चाहे अंदर कोण पूछे चाहे बाहर। तो यहां से ध्यान देना, यन समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकालेंगे। चलिए पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाए। यहां से जब मैंने आपसे पूछा कि छह भुजा का बहुभुज है और इसके एक अंतः कोण का मान क्या है प्रत्येक, तो आपने 120 बताया। अब ध्यान देना, बहिष्कोण का मान निकलता कैसे, थोड़ा भी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, तो एक लाइन में आएगा। प्रत्येक बहिष्कोण का मान आता कैसे है? पहले आप प्रत्येक भुजा को क्रमानुसार एक ही ओर आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब तक भुजा को बाहर नहीं बढ़ाएंगे एक तरफ से तब तक बाहर वाले कोण का मान आएगा ही नहीं। अब जैसे यहां बाहर कोण कौन सा बन रहा है यह भी नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब इसकी प्रत्येक भुजा को क्रमानुसार एक ही ओर आगे बढ़ा देंगे। जितनी भुजा है सभी भुजाओं को क्रमानुसार एक ही ओर हमने आगे बढ़ा दिया। अब बताइए, अंदर वाले कोण का मान 120 डिग्री है, तो आप बताएं बाहर वाले कोण का मान क्या होगा। बताइए, अंदर वाले कोण का मान 120 डिग्री है तो बाहर वाले कोण का मान कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा कि नहीं? जैसे यहां पे अंदर वाले कोण का मान 120 डिग्री है तो यहां भी बाहर वाले कोण का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। कैसे पता चला? क्योंकि यहां से एक रैखिक युग्म बनेगा। रैखिक युग्म होता है कि किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। उसका रीजन यह है,
पहले जैसे पूरा एक गोल चक्कर है, ध्यान देना, पूरा एक गोल चक्कर है राउंड क्लॉक, तो एक गोल चक्कर 360 डिग्री पर बनता है। और यही सर्किल में यदि हाफ कर दूं, यही सर्किल यदि मैं हाफ कर दूं, तो ये कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री घूमे। तो यहाँ भी देखिए आधा वृत्त बनता है, हाफ सर्किल बनता है कि नहीं। ऊपर यदि देखिए ऊपर भी मिला दें तो पूरा सर्किल हो गया, लेकिन यदि केवल नीचे देखें तो अर्धवृत्त बनेगा, आधा सर्किल बनेगा, तो 180 डिग्री होगा। तो अंदर 120 है तो बाहर कितना हो जाएगा, 60। कैसे पता चला, 180 में से घटाकर। इसी तरीके से ये भी अंदर 120 है तो बाहर 60, ये भी अंदर 120 है तो बाहर कितना आएगा, 60, ये भी बाहर कितना आएगा, 60, यहाँ भी बाहर कितना आएगा, 60, और ये भी बाहर कितना होगा, क्योंकि हर जगह हाफ सर्किल बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ से हमें पता चला कि जब हमें एक बहिष्कोण का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले कोण का मान कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, अंदर वाले कोण को। जैसे अंदर वाला कोण 120 डिग्री है तो 180 में से 120 घटा दिए तो बाहर वाला आ गया। तो यहां भी जैसे हमें बहिष्कोण निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, पहले यहां समझ लीजिएगा, जैसे प्रत्येक बहिष्कोण हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे किसको, अंदर वाले कोण को, एक अंतः कोण। तो प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है, n माइनस 2 गुणा 180, अब बटे कितना है, n, ये एक अंतः कोण का मान है, n माइनस 2 गुणा 180 बटे n, ये एक अंतः कोण का मान है। तो 180 डिग्री में से एक अंदर वाले को घटाएंगे तो एक बाहर वाला आ जाएगा, है ना। एक बहिष्कोण का मान निकालना हो तो 180 में से एक अंदर कोण का मान घटा देते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, 180 को बटे एक लिख सकते हैं, अब लस लेंगे तो एक और यन का लस कितना आएगा, यन, अब एक का भाग यन में देंगे तो यन बार जाएगा, और जितनी बार जाएगा उसी के ऊपर गुणा करना, तो यन का गुणा 180 में 180 यन आया, माइनस यन का भाग यन में देंगे तो केवल एक बार आएगा, यन का भाग यन में देंगे एक बार, और एक का गुणा इसके ऊपर करेंगे तो वही रहेगा। देखिए कैसे, 180 का गुणा यन में 180 यन, और माइनस का गुणा माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और 180 का गुणा दो में कितना, समझ में आया कि नहीं, 180 का गुणा माइनस यन में गुणा करेंगे माइनस 180 यन, और 180 देखिए माइनस माइनस यहां हो गया प्लस, अब 180 का गुणा दो में कितना, चूंकि इसका गुणा इसमें भी गुणा करना है इसमें भी, तो 180 का गुणा यन में 180 यन हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 180 का गुणा दो में, अब आप समझ गए ये कट गया कितना है, 360 बटे यन, ये प्रत्येक बहिष्कोण का मान हुआ। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना प्राप्त हुआ, 360 बटे एन। अब देखिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कैसे, हम आपसे पूछें कि किसी सम षटभुज के छह भुजाएं बराबर है तो उसके एक बहिष्कोण का मान क्या होगा, तो सीधा 360 में भुजा की संख्या से भाग करना, और यन मतलब कितनी भुजा थी, छह भुजा, तो ये भाग करिए, देखिए डायरेक्ट आ गया कि नहीं, ये एक बहिष्कोण का मान कितना है, 360 बटे एन। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट इसमें इसी का जुड़ा और है, ध्यान देना, जैसे हम आपसे कहें कि किसी n बहुभुज के सभी, जरूर आपको लग रहा होगा थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और देखिए हल इससे भी जल्दी कर सकेंगे प्रश्न को, वो मैं अभी डिस्कस खुले तौर पे कर दूंगा, बस इतना ध्यान देना कि पहले पूरे कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से, समय जरूर लगे लेकिन ध्यान से समझें, अब प्रश्न हल करेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा बेहद सामान्य टॉपिक है। तो यन बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, जैसे यन भुजाएं हैं और सभी बहिष्कोण का योग निकालना है, तो पहले ये तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले इसे समझिए, पहले बताइए यदि मैं पूछता कि किसी सम षटभुज है या छह भुजाएं हैं उसके सभी बाहर वाले कोण का योगफल क्या होगा, जो बाहर है, तो आप जैसे यहां देखिए 60 डिग्री यहां बाहर है, 60 यहां, 60 यहां, 60 60 60,
तो 60-60 कितनी बार, 6 बार है, तो 60-60 6 बार है, तो मतलब सभी बहिष्कोण का योगफल कितना हो गया 360। ये कैसे पता चला? सभी बाहर वाले कोण का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले एक बहिष्कोण का मान निकालिए, एक बहिष्कोण का मान 60 है, और एक बहिष्कोण का मान 60 आ जाए तो भुजा की संख्या से गुणा कर दीजिए, यही करेंगे ना। मतलब सभी बहिष्कोण का योगफल निकालना हो तो पहले एक बाहर वाले कोण का मान रखना, एक बहिष्कोण, और उसमें भुजा की संख्या से गुणा कर देना। तो एक बहिष्कोण का सूत्र क्या होता है? प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है 360 बटे एन, और इसमें गुणा कर दीजिए भुजा की संख्या से, भुजा एन है तो एन एन कट गया, कितना आया 360 डिग्री। अब इस पर प्रश्न नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता? ये फिक्स होता है, ये एकदम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। तो एक चीज माइंड में रखना कि यन बहुभुज हो तो उसके सभी बहिष्कोण, सभी बहिष्कोण का योगफल कितना होता है 360। चाहे चार भुजा हो सभी बहिष्कोण का योग 360 आएगा, पांच भुजा है तब भी 360 आएगा, छह भुजा है तो भी, सात है तो भी, तो भुज बहुभुज में चाहे जितनी भी भुजाएं हों यदि सभी बहिष्कोणों का योगफल पूछे तो आंसर 360। इसलिए प्रश्न इस पर नहीं बनता, प्रश्न आपका एक दो तीन कॉन्सेप्ट, एकमात्र कॉन्सेप्ट और बचा है उसे भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो बहुभुज के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तब प्रश्न की मैं बात करूंगा। तो जैसे आपने इतना समय दिया, थोड़ा सा और समय दें ताकि मैं बस 3 से 4 मिनट, ताकि मैं एक कॉन्सेप्ट और बेटर समझा दूं और फिर प्रश्न की फिर चर्चा करता हूं। देखिए ज्यामिति में यही मेन होता है कि हम जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे। प्रश्न तो चाहता तो मैं केवल यही सूत्र लिख के हल करा देता प्रश्न को, मैं चाहता तो केवल यही सूत्र लिखने के बाद प्रश्न हल करा देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रश्न आप तो बेशक हल कर लेते लेकिन जानते ही समझ नहीं पाते। तो एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा समझे। अब पहले आप हमें बताइए किसी एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, किसी एक शीर्ष से कितने विकर्ण हम खींच सकते हैं, चलिए पहले इस पर फोकस करें। तो आप बताइए जैसे चार भुजाएं हैं, कितनी हैं? चार। अब हम आपसे पूछें किसी एक शीर्ष से, केवल एक कोने से कितने विकर्ण खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे केवल एक। अच्छा यदि पांच भुजाएं हैं, अब कोई एक शीर्ष से विकर्ण खींचने हों तो आप कितने विकर्ण खींचेंगे? केवल दो। त्रिभुज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डायगोनल की बात कर रहा हूं, विकर्ण की बात कर रहा हूं, ये मैं केवल डायगोनल की बात कर रहा हूं। अच्छा यदि छह भुजाएं हैं, 2 3 4 5 6, यदि छह भुजाएं हैं तो कोई भी एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींच सकते हैं? 1 2 3, बाकी और कोई विकर्ण नहीं खींच सकते। तो निम्न चित्रों से स्पष्ट होता है, निम्न चित्रों से स्पष्ट होता है कि किसी बहुभुज में, चाहे तो इसे नोट करना, निम्न चित्रों से स्पष्ट होता है कि किसी बहुभुज में किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या से सदैव 3 कम होती है। अब नहीं कहना 2 कम होती है, वो तो त्रिभुज की संख्या थी, ये विकर्ण की मैं बात कर रहा हूं। तो किसी बहुभुज में किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या से सदैव 3 कम होती है। जैसे यहाँ 4 भुजा है तो किसी एक शीर्ष से विकर्ण खींचने हो तो भुजा की संख्या से 3 कम, मतलब केवल एक विकर्ण आएगा। यदि 5 भुजा है तो किसी एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? भुजा की संख्या से 3 कम, मतलब भुजा 5 है और 3 कम कर देंगे तो 2 विकर्ण, तो देखिए केवल 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं, बस यही 2। यदि 6 भुजा है तो किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजा की संख्या से 3 कम होती है, मतलब केवल 3। आमतौर पे परीक्षाओं में एक शीर्ष से विकर्ण नहीं बनते, एक शीर्ष से विकर्ण नहीं बनते, हमसे पूछा जाता है कुल विकर्णों की संख्या। कुल का मतलब हुआ चाहे जो भी शीर्ष लीजिए, तो कुल कितने विकर्ण खींच सकते हैं, हमसे ये सवाल पूछता है। तो कुल विकर्ण निकालने के लिए एक शीर्ष से विकर्ण निकालना ही पड़ता है। अब जैसे हम आपसे पूछे कि किसी चतुर्भुज में
कुल कितने विकर्ण खींच सकते हैं, तो कुल विकर्ण कैसे निकालेंगे, पॉइंट नोट करिए, मैं बता रहा हूँ, नोट करना। किसी बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले एक शीर्ष से विकर्ण ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात उसमें भुजा की संख्या के आधे से गुणा कर देते हैं। ध्यान सुने, कुल विकर्ण ज्ञात करने के लिए पहले एक शीर्ष से विकर्ण की संख्या निकालते हैं, तत्पश्चात उसमें भुजा के आधे से, भुजा की संख्या के आधे से गुणा कर देते हैं। अब जैसे इसमें मैं आपसे पूछूं कुल कितने विकर्ण बनेंगे, तो पहले एक शीर्ष से विकर्ण निकाल लीजिए, हमने चलिए एक शीर्ष से विकर्ण निकाल लिया, अब इसमें गुणा कर दीजिए किससे, भुजा की संख्या के आधे से, भुजा कितनी है चार, तो भुजा की संख्या के आधे से गुणा करेंगे तो ये दो बार में कट गया, चार में से तीन घटाएंगे एक, और एक का गुणा दो में कितना है दो, तो किसी चतुर्भुज में कुल विकर्ण दो खींचे जा सकते हैं। मतलब कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जाएंगे दो टोटल, कैसे, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, कुल कितने विकर्ण खींचे जाएंगे दो विकर्ण, दो से ज्यादा नहीं। अच्छा, आप कभी कभी पूछते हैं कि भुजा की संख्या के आधे से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी भुजा होती है उसकी आधी स्थिति पकड़ ही सकते हैं, क्यों, अब जैसे चाहे इस शीर्ष से यहां विकर्ण डालिए, चाहे इस शीर्ष से यहां विकर्ण डालिए, मतलब दो शीर्ष से मिलकर एक ही विकर्ण बनते हैं, तो यहां भी चाहे इस शीर्ष से यहां विकर्ण डालिए, चाहे यहां से, तो इसलिए जितनी भुजा होती है उसकी आधी स्थिति ही ले सकते हैं, जैसे चार भुजा है तो केवल आधी स्थिति, मतलब दो ही स्थिति पकड़ सकते हैं। अब बताइए पंचभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, बताया पंचभुज में कुल विकर्ण कितने होंगे, तो पहले हम एक शीर्ष से विकर्ण निकालते हैं, और एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजा से तीन कम होती है, जैसे पांच भुजा है तो तीन कम विकर्ण बनेंगे एक शीर्ष से, अब जब एक शीर्ष से विकर्ण आ जाए तो उसमें गुणा कर दीजिए भुजा की संख्या के आधे से, और भुजा है पांच, पांच के आधे से गुणा करेंगे तो देखिए ये दो से ये दो कट गया, चूंकि पांच में से तीन घटाएंगे दो, दो से दो कट गया, कितने विकर्ण आए पांच, चाहे तो चेक कर लीजिए पांच ही बनेंगे, कैसे, टोटल पांच आएंगे, देखिए एक दो, इसके बाद अब ये वाला विकर्ण पकड़िए, चाहे अब देखिए कुल विकर्ण कहे तो चाहे जो शीर्ष पकड़िए, तो एक विकर्ण, दो विकर्ण, एक यहां से, तीन विकर्ण, एक यहां से, चार विकर्ण, और एक यहां से पांच विकर्ण, तो अब देखिए टोटल कितने आए पांच विकर्ण आया कि नहीं, अब बाकी कोई नहीं बनेगा, पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, तो एक्चुअली ध्यान देना टोटल पांच विकर्ण है। अब बताइए छह भुजा के बहुभुज में यदि आपसे विकर्णों की कोई संख्या पूछे कुल कितने विकर्ण है टोटल, तो आप नौ बताएंगे, कैसे, नौ विकर्ण इसमें बनेंगे, कैसे नौ बनेंगे, पहले एक शीर्ष से विकर्ण निकालिए, और एक शीर्ष से कितने विकर्ण बनते हैं भुजा से तीन कम, जैसे छह भुजा है तो तीन कम विकर्ण बनेंगे एक शीर्ष से, अब जब एक शीर्ष से विकर्ण आ जाए तो इसमें गुणा कर दीजिए भुजा के आधे से, तो दो, ये तीन बार में कट जाएगा, छह में दो से भाग करेंगे तीन बार में, अब छह में से तीन घटाएंगे तीन आएगा, और तीन का गुणा तीन में कितना आया नौ, तो अब कुल विकर्ण निकालना समझ में आया कि नहीं, कुल विकर्ण कैसे निकालेंगे, पहले एक शीर्ष से विकर्ण निकालेंगे फिर गुणा करेंगे भुजा के आधे से। तो चलिए एक अंतिम कॉन्सेप्ट समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे सवाल किया कि किसी एन बहुभुज में बने कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया प्रश्न है, केवल डायरेक्ट सूत्र ही परीक्षा में पूछा गया है, किसी एन बहुभुज में बने कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे कुल विकर्णों की संख्या, पूरा पढ़ पा रहे हैं, कुल विकर्णों की संख्या ठीक क्या होगी, कैसे निकालेंगे, पहले एक शीर्ष से विकर्ण निकालेंगे, और एक शीर्ष से कितने विकर्ण बनते हैं भुजा से तीन कम, जैसे चार भुजा है तो तीन कम विकर्ण, पांच भुजा है तो तीन कम, छह है तो तीन कम, तो यन भुजा है तो तीन कम, मतलब यन माइनस तीन, ये केवल एक शीर्ष से विकर्ण आया, और इसमें गुणा कर दीजिए भुजा के आधे से,
ये कुल विकर्ण आ गए। तो चार कॉन्सेप्ट हमें बहुभुज के सेक्शन में ध्यान देना है। तो एक चीज फिर से माइंड में रखना, यदि हमसे पूछा जाए कि किसी एन बहुभुज में किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे भुजा से तीन कम, मतलब एन माइनस थ्री। लेकिन एक शीर्ष से नहीं पूछे, बल्कि पूछा जाए कुल विकर्ण कितने खींचे जाएंगे, तो एक शीर्ष से विकर्ण निकालकर भुजा के आधे से गुणा कर देना। तो विकर्ण से रिलेटेड दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक शीर्ष से विकर्ण पूछे तो कुछ करना ही नहीं है, केवल भुजा से भुजा की संख्या में से तीन घटा दीजिए। लेकिन कुल विकर्ण कितने खींचे जाएंगे, तब आप एक शीर्ष से विकर्ण निकालकर उसका क्या करेंगे, उसमें गुणा करेंगे भुजा के आधे से। तो चलिए अब मैं प्रश्न की बात करता हूं। बहस कॉन्सेप्ट में मैंने थोड़ा जानबूझ के समय लगाया। अब देखिए प्रश्न की जब मैं बात करूंगा तो एक आसान सा टॉपिक आपको लगेगा, और मैं इसमें भी शॉर्ट मेथड अप्लाई होता है, लेकिन बस आप ये सूत्र विधि ही ध्यान देना, क्योंकि शॉर्ट मेथड में फिर से हम अलग अलग चीजें फिर समझे, तो बेटर है आप एक बार कॉन्सेप्ट देखें। वैसे भी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बेहद संक्षेप में आप हल कर लेते हैं। एक सवाल देखें, हमने आपसे प्रश्न ये किया कि किसी 15 भुजाओं वाले बहुभुज के, आसान प्रश्न से शुरुआत करते हैं, बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा, आपका उत्तर आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल मैंने पूछा है, हमने आपसे ये पूछा है, यहां पे सम बहुभुज होगा, किसी 15 भुजाओं वाले सम बहुभुज के प्रत्येक एक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकालते हैं, बताइए। एक बहिष्कोण का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, एक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालना हो तो कुछ करना ही नहीं है, आप 360 में भुजाओं की संख्या से भाग कर दीजिए। 360 में आप भाग कर दीजिए सीधे तौर पर, किससे, भुजा की संख्या से, और भुजा की संख्या कितना है 15, सीधा भाग करिए 24, ये डायरेक्ट उत्तर आ गया। तो ध्यान देना, 15 भुजाओं वाले सम बहुभुज के एक बहिष्कोण का मान पूछे, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालने के लिए 360 में भुजा की संख्या से भाग करें, या न जहां भुजा है, तो 360 में भुजा की संख्या कितना है 15, ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है सुपर टेट का। तो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए आपको मैं बता दूं, 2011 से 18 तक की जितनी परीक्षाएं संपन्न हुई यूपी टेट पर्टिकुलर, आप देखें बहुभुज का कितना योगदान है, आप खुद ही समझ लेंगे। और इसी तरीके से जब पार्ट टू हम रेखा और कोण रखेंगे, सुपर टेट देख लीजिए, टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे आप। चलिए एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, इसी सूत्र को हम थोड़ा सा पक्षांतर करके एक सूत्र और बना सकते हैं। जैसे यन समबहुभुज के एक बहिष्कोण का मान कितना है, देखिए मैं इसे ही रेज कर रहा हूँ, प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है 360 बटे यन, यही सूत्र है ना, 360 बटे यन। तो यदि हमें यन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, 360 में भाग कर दिए पक्षांतर करके प्रत्येक बहिष्कोण से, आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं। तो यन कैसे निकालेंगे, पक्षांतर देखिए, यन पहले भाग हो रहा है, इधर आएगा गुणा होगा, तो यन गुणा प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360, तो यन बराबर कितना 360 बटे प्रत्येक बहिष्कोण। मतलब यन निकालना हो तो पक्षांतर करके हमने बनाया है 360 बटे प्रत्येक, मतलब एक बहिष्कोण, तो ध्यान देना यन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 360 में प्रत्येक बहिष्कोण से भाग करेंगे। एक सवाल मैं आगे लिख रहा हूं और फिर से मैं आपको बता दूं
कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल सदैव कितना होता है, बताएं? 180 डिग्री। एक अंदर वाले कोण और एक बहिष्कोण का योगफल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे ध्यान देना, जैसे अभी मैंने छह भुजा बनाया था, एक अंदर वाले कोण का मान कितना आया था? 120। तो बाहर वाले कोण का मान कितना है? 60। तो बेहद ये पॉइंट बिल्कुल माइंड में रखना, एक अंतःकोण एक बहिष्कोण का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रश्न में आगे लिखूंगा, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे तो केवल एक लाइन में उत्तर कर लेंगे आप। तो किसी बहुभुज में एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं या अर्धवृत्त बनाते हैं, अतः एक अंतःकोण एक बहिष्कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। एक सवाल में लिख रहा हूं, हमने सवाल ये लिखा कि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 144 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। चलिए एक चीज आप हमें बताएंगे, जैसे समबहुभुज के एक अंतःकोण का मान कितना है? 144 डिग्री। तो एक बहिष्कोण का मान कितना आएगा? 36 डिग्री। कैसे पता चला? एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे अभी जो मैंने चित्र बनाया था, एक अंदर वाले कोण का मान 120 डिग्री था तो बाहर वाले कोण का मान 60 डिग्री। यदि अंदर वाला कोण 100 डिग्री होगा तो बाहर वाला कितना होगा? 80। यदि अंदर वाला 140 डिग्री हुआ तो बाहर वाला कितना आएगा? 40। क्योंकि अंदर और बाहर वाले कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बताइए, एक अंतःकोण अंदर वाले कोण का मान 144 है तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना आएगा, बताइए? एक बहिष्कोण का मान कैसे निकालेंगे? 180 में से अंदर वाले कोण का मान घटा दीजिए, बाहर वाले कोण का मान पता चल गया 36। इसलिए यन निकालना है तो यन कैसे निकालेंगे? 360 में प्रत्येक बहिष्कोण से भाग कर दीजिए। और 360 में भाग करें, देखिए यन मतलब भुजा की संख्या निकालनी है, तो 360 में बाहर वाले कोण से भाग करिए, तो बाहर वाला कोण कितना है प्रत्येक बहिष्कोण? 36। आप भाग करिए, सीधा उत्तर आ गया, सॉरी 10 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 10। और यदि हम इससे नहीं हल करते तो समय लग जाता, कैसे? तो ध्यान देना, प्रत्येक अंतःकोण का मान सूत्र होता है n माइनस 2 गुणा 180 बटे n। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया है 144 डिग्री, तब मैं 144 डिग्री बराबर क्या दिखाता? n माइनस 2 अब गुणा 180 बटे n, ये एक अंतःकोण का मान है। तो n इधर आता तो गुणा होता तो 144 n होता, और 180 का गुणा यन में तो 180 यन, और माइनस 180 दुना 300, अब माइनस 360 इधर करते तो प्लस हो जाता, 144 यन उधर ले जाते तो घट जाता 36 यन, तो यन बराबर कितना था? लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाता है ना। तो बस इतना ध्यान देना कि अंदर वाला कोण यदि 144 डिग्री है, एक अंतःकोण 144 है, तो एक बहिष्कोण कितना आएगा? 36। कैसे? 180 में घटा दीजिए। और एक चीज बिल्कुल माइंड में रखना, भुजा की संख्या यन निकालना है तो क्या करें? 360 में बहिष्कोण से भाग करिए, एक बहिष्कोण। तो एक बहिष्कोण का मान 36 है, 360 में 36 से भाग करिए, सीधा रिजल्ट। तो चलिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं, देखिए सवाल हमने ये लिखा है किसी 10 भुजाओं वाले बहुभुज के
सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल, चलिए ठीक है, का योगफल कितने समकोण के बराबर होगा? कितने समकोण के बराबर होगा? चलिए, मैंने एक प्रश्न दिया है, हमने ये लिखा है कि 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है और उसके सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा? तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक समकोण में 90 डिग्री, तो पहले क्या करें, पहले ये पता कर लें कि इसके सभी अंतःकोण का योग क्या है। तो सभी अंतःकोण का योग कैसे निकालते हैं, मैंने शुरुआत यहीं से किया था, बताइए सभी अंतःकोण का योग कैसे निकालेंगे? तो सभी अंतःकोण का योग निकालने के लिए पहले त्रिभुज की संख्या निकालेंगे, पहले त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। और त्रिभुजों की संख्या कैसे पता होगा? भुजाओं की संख्या से सदैव दो कम होता है, मैंने शुरुआत में नोट भी करवाया था कि चार भुजाएं हैं तो दो त्रिभुज बनेंगे, पांच है तो तीन, छह है तो चार, तो बने त्रिभुजों की संख्या भुजा से हमेशा दो कम होता है। तो यहां पे 10 भुजा है तो त्रिभुज कितने? दो कम, और 180 से गुणा कर दीजिए, यही होता है ना। तो सभी अंतःकोण का योग सूत्र क्या होता है, n माइनस दो गुणा 180, और n का मान 10 है, 10 माइनस दो गुणा 180 कितना आया, 10 में से दो घटाएंगे 8, और 18 144 कितना आएगा, 1440 डिग्री, समझ में आया ना, 10 माइनस दो 8 आएगा, 8 का गुणा 180 में गुणा करेंगे 1440। हमने पूछा है कि सभी अंतःकोण का योगफल कितने समकोण के बराबर होगा, तो एक समकोण बराबर कितना होता है, वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के, एक समकोण कितना होता है 90 डिग्री, तो सभी अंतःकोणों का योग 1440 आया है, तो इसमें कितने समकोण बनेंगे, इसलिए कुल समकोण निकालना हो, एक समकोण 90 डिग्री में, 90 डिग्री का होता है, तो 1440 डिग्री में कितने समकोण बनेंगे, तो 1440 बटे 90, 9 एक का 9, 5 54, 9 छक्के 54, 16 समकोण। तो ध्यान देना, 10 भुजा है और उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 10 माइनस दो एन माइनस दो गुणा 180, 1440 डिग्री आएगा सभी अंतःकोण का योग। अब पूछा है सभी अंतःकोण का योग कितने समकोण के बराबर होगा, तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री है, तो 1440 डिग्री में कितने समकोण बनेंगे, 90 से भाग कर दीजिए, 16 समकोण आएंगे। मैं तो कहता हूं इस प्रश्न में पेपर पेंसिल उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कैसे, प्रैक्टिकली सोचिए, हमें हल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप पहले बताइए एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180। एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें कितने समकोण होंगे, दो समकोण, 180 डिग्री में कितने समकोण। अब मतलब यह हुआ कि एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योगफल दो समकोण के बराबर होता है, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है, दो समकोण के, बस इतना माइंड में रखिए। अब बताना 10 भुजा है, कितनी भुजा है, 10 भुजा, तो 10 भुजा के बहुभुज में, 10 भुजा के बहुभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, हमने नोट करवाया था भुजा से दो कम, तो 10 भुजा है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 माइनस दो 8 त्रिभुज, कितने त्रिभुज 8, और एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग दो समकोण के बराबर होता है, एक त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योगफल दो समकोण के बराबर, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 दुना 16 समकोण, हल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, मैं जानबूझ के थोड़ा समय ले रहा हूं, प्रैक्टिकली भी सीखिए गणितीय भाषा भी। एक सवाल में आगे लिख रहा हूं, हमने एक सवाल ये लिखा कि किसी 15 भुजाओं वाले, किसी 15 भुजाओं वाले
बहुभुज के बहुभुज में बने कुल विकर्णों की संख्या बताइए, बने कुल विकर्णों की संख्या बताइए। तो चलिए ध्यान देना, यहां पर कुल विकर्ण पूछा है। अब कुल विकर्ण कैसे निकलता है, पहले एक देखिए, हमसे पूछा है कुल विकर्ण की संख्या। अब कुल विकर्णों की संख्या कैसे निकलता है, कुल विकर्णों की संख्या निकालने के लिए पहले एक शीर्ष से विकर्ण निकालेंगे, पहले एक शीर्ष से विकर्ण। और देखिए, जैसे कुल विकर्ण की संख्या निकालना है तो पहले एक शीर्ष से विकर्ण निकालेंगे, कितने बनते हैं, भुजा की संख्या से तीन कम बनते हैं, और भुजा की संख्या कितनी है, 15। तो एक शीर्ष से कितने त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज से कितने विकर्ण बनेंगे, भुजा से तीन कम, तो 15 से तीन कम विकर्ण आएंगे एक शीर्ष से, और एक शीर्ष से विकर्ण आ जाए तो गुणा कर दीजिए भुजा के संख्या के आधे से, तो 15 में से तीन घटाएंगे 12, और गुणा 15 बटे, देखिए 15 माइनस तीन कितना है, 12 गुणा 15 बटे 2 × 12, 15 × 6 कितना है, 90 विकर्ण। देखिए कितने छोटे छोटे कैलकुलेशन है। अब ध्यान देना, हमने एक सवाल लिखा, सवाल यह है कि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण और प्रत्येक बहिष्कोण में अनुपात तीन अनुपात दो है, तो बहुभुज में भुजा की संख्या बताइए। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, अनुपात वगैरह देख के घबराना नहीं है। कोई समबहुभुज है और उसके प्रत्येक एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण में अनुपात दिया है। पहले जानकारी कलेक्ट करिए क्या दिया है, प्रश्न में दिया है प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण में जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 3:2 है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, अनुपात भिन्न का परिवर्तित रूप, जैसे ए अनुपात बी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए बाय बी के रूप में, तो घबराना नहीं कि अनुपात दिया था मैंने बटे में लिखा। एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण में जो अनुपात दिया है, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, बराबर 3:2 है, तो 3/2। बस हमें कुछ करना ही नहीं है, आप केवल यहां पर सूत्र रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो पहले बताइए एक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, n-2 × 180 और बटे कितना n, n-2 × 180 / n, और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे प्रत्येक बहिष्कोण। अब प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र क्या होता है, प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है 360/n, यही होता है ना, बराबर कितना 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें मैंने कुछ अपना प्रयास किया ही नहीं है, केवल मैंने सूत्र रखा है, प्रत्येक अंतःकोण n-2 × 180/n होता है, और बटे प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होता है 360/n बराबर 3/2। ध्यान से देखिए कैसे कट रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें, पहले n से कट जाएगा n, कट जाएगा कि नहीं, ये n से n कैंसिल, और 180 से दो बार में कट जाएगा 360। पहले देखिए कौन कैसे कट रहा है, n से कट जाएगा n, और 180 से दो बार में 360।
अच्छा दो यहाँ पर भाग हो रहा है और दो को दाहिने तरफ भेज दूँ तो गुणा हो जाएगा, तो तीन बटे दो में दो से गुणा करेंगे तो कुल मिला के दो भी यहाँ से गुजर जाएगा, बस बचा क्या n माइनस दो बचा और बराबर तीन बचा। अब माइनस दो उधर प्लस हो जाएगा तो n बराबर कितना आ गया, माइनस दो उधर प्लस हो जाएगा तो तीन और प्लस दो कितना पाँच। देखिए कुछ है ही नहीं, पहले n से n कटा, 180 से दो बार में 360 और दो भाग हो रहा उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, कुल मिला के दो दो भी कैंसिल, बस n माइनस दो बराबर तीन बचा, माइनस दो उधर जाएगा तो प्लस। ये काटना समझ गए ना कैसे कटा है, ये नहीं कहना मार्कर से काटे हैं। चलिए ध्यान देना, एक प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस क्लास ओवर कर रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है ना। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान प्रत्येक बहिष्कोण का दो गुना है तो बहुभुज में भुजा की संख्या बताइए। चलिए ध्यान देना मैंने प्रश्न में क्या लिखा है, हमने प्रश्न ये दिया है कि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान प्रत्येक बहिष्कोण का दो गुना है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। चलिए ध्यान देना, एक समबहुभुज है, एक अंतः कोण और एक बहिष्कोण, सॉरी प्रत्येक अंतः कोण का मान प्रत्येक बहिष्कोण का दोगुना है, मतलब एक अंतः कोण का जो मान है बराबर है किसके, प्रत्येक बहिष्कोण का दोगुना, प्रत्येक बहिष्कोण का दोगुना, मैंने सवाल यही बना है ना, प्रत्येक अंतः कोण का मान बराबर है किसके, प्रत्येक बहिष्कोण के दोगुने के। तो पहले बताइए हमें कुछ करना ही नहीं है, बस सूत्र रख देना, प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र क्या होता है, प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र क्या होता है, कुछ इसमें है ही नहीं, केवल सूत्र प्लेस करिए, n माइनस दो गुणा 180 और बटे n बराबर प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र कितना होता है 360 बटे n। देखिए प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है 360 बटे n और गुणा दो, कुछ करने नहीं है, n से n कट गया, कैसे n भाग हो रहा है दाहिनी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा और 180 यहाँ गुणा हो रहा है दाहिने तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, बात समझेंगे नहीं, 180 गुणा हो रहा है जब दाहिने तरफ जाएगा तो 180 भाग हो जाएगा तो 180 से दो बार में ये भी गुजर जाएगा, कितना आया n माइनस दो बराबर दो दुना चार, अब माइनस दो उधर प्लस हो जाएगा तो चार तो दाहिने तरफ है ही, माइनस दो उधर प्लस हो जाएगा तो चार और दो कितना छः। देखिए मैं हर कैटेगरी का प्रश्न ले रहा हूँ, देखिए सबसे पहले प्रत्येक अंतः कोण से मैंने प्रश्न हल कराया, फिर बहिष्कोण से हल कराया, फिर इसमें जो हमने हल कराया विकर्ण को लेकर हल कराया, फिर एक अनुपात लिया, फिर एक गुना लिया और एक अंतर भी ले लेते हैं ताकि हर कैटेगरी के प्रश्न हो जाए, जितने लेवल तक मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ उस सारे लेवल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मैंने अनुपात दे दिया, गुना दे दिया, सिंपल प्रश्न दे दिया, सिंपल विकर्ण के लिए हो गया, एक प्रश्न और देख लीजिए अंतर के लिए, और मैं तो चाहूँगा आप इसे खुद हल करिएगा। तो प्रत्येक अंतः कोण, देखिए किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण और प्रत्येक बहिष्कोण में अंतर 132 डिग्री है तो बहुभुज में भुजा की संख्या बताइए। तो चलिए ध्यान देना, इसमें आपको केवल सूत्र प्लेस करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हमने सवाल यह दिया है कि समबहुभुज के एक अंतः कोण और एक बहिष्कोण में अंतर 132 डिग्री है, मतलब प्रत्येक अंतः कोण माइनस प्रत्येक बहिष्कोण, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है 132 डिग्री है, यही है ना, बस हो गया।
एक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, n माइनस दो गुणा 180 बटे n। अब माइनस एक बहिष्कोण का सूत्र होता है 360 बटे n बराबर 132। बस यही हल कर लेना है, हर तो बराबर है ही, हर दोनों के बराबर है तो n रखिए। अब सीधा सीधा अंश रखिएगा, देखिए इसका भी हर n है, इसका भी हर n, तो n हर बराबर है तो n रख लीजिए और सिंपल तौर पर अंश रख लीजिए। कैसे, पहले 180 का गुणा दोनों में गुणा करना, 180n यहां हो गया और 180 का गुणा माइनस दो में गुणा करिए। देखिए 180 का गुणा n में 180n हुआ, माइनस 180 का गुणा दो में 360, अब यहां भी माइनस कितना है 360 बराबर कितना कितना आ गया 180n और माइनस 720 हो गया। कैसे, माइनस 360 और माइनस 360 माइनस 720 कैसे, हम आपसे कहते हैं हमारे पास 360 रुपये का ऋण था, 360 ऋण और हो गया तो ये ऋण बढ़कर कितना हो गया 720 बराबर कितना। चलिए ठीक, अब ऐसा करना ना, n भाग हो रहा है दाहिने तरफ भेज दीजिए, गुणा हो जाएगा 132n। बात समझिएगा, 180n माइनस 360 माइनस 360 माइनस 720 हो गया, n भाग रहा है दाहिने तरफ भेज दीजिए तो 132n गुणा, मतलब n वहां गुणा होगा तो n का गुणा 132 में 132n ही तो आएगा ना। अब 132n बाएं तरफ पक्षांतर कर लीजिए, n वाले परिवार को n के पास कर दीजिए, संख्या को एक तरफ लगा दीजिए, तो 180n यहां है और जब 132n इस तरफ बुलाएंगे तो घटेगा तो कितना आएगा 32 8 48n बराबर कितना 720, तो n बराबर कितना है 720 बटे 48, कितना आएगा 24 दुना 48 24 तीन 72 30 बटे 2 15 आएगा। तो समझ है ना, 180n था, 132n इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 180n में 132n माइनस होगा तो 48n आ जाएगा, अब माइनस 720 दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस 720, 48 गुणा हो रहा है दाहिने तरफ भाग होगा तो हल करेंगे तो 15, तो बहुभुज में भुजा की संख्या 15। मैंने इसमें जितने लेवल हो सकते थे, चाहे अनुपात हो, चाहे गुणा हो, चाहे अंतर हो, चाहे बेसिक प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे टच करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लगा, कॉन्सेप्ट मैंने पूरे ओपन किए। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़, पार्ट वन मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मंडे से आपको नियमित एक कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, तो अगले क्लास में मैं पार्ट टू को लेकर आऊँगा और ये बहुभुज नहीं, अब टॉपिक होगा रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। ये कल मीन्स मंडे ट्यूसडे, आज सोमवार है, मंगलवार को आपको वो वीडियो पार्ट टू का मिलेगा। लेकिन आप संख्या को बराबर बनाए रखिए, शेयर करिए, तो इससे हमें भी उत्साह मिलता रहेगा। अवगत जरूर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।